नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत दिन से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही खुशी हो रही है कि पटना मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से 44वां एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया। दर्शक सर, आपसे जानना चाहते हैं आज जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या विशेष बातें हुई और भविष्य का क्या कार्यक्रम है, अपना परिचय जरा पहले दे दें। मैं प्रोफेसर उत्तम कुमार सिंह, डायरेक्टर जनरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पटना हूँ और पटना मैनेजमेंट एसोसिएशन का एक एक्टिव मेंबर के रूप में बहुत दिनों से हम लोग संबंध है। आज 44वां एनुअल जनरल मीटिंग पटना मैनेजमेंट एसोसिएशन का स्थानीय IIBM सभागार में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे जितने वरिष्ठ सदस्य हैं और वो आए हैं आज के इस एनुअल जनरल मीटिंग में। पिछले वर्ष में लिए गए जितने भी निर्णय थे उनको आपत्तियों के बाद स्वीकृत किया गया और जितने भी नए कार्यक्रम हम लोग भविष्य के लिए आयोजित करना चाहते हैं उस पर विस्तृत चर्चा की गई और यह निर्णय किया गया कि जितने भी यहाँ मैनेजमेंट और कॉमर्स इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पर निश्चित रूप से जा कर के हम लोग कोई न कोई नेशनल इकोनॉमी, ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है, इन सबसे संबंधित विषयों पर हम लोग किसी न किसी वर्कशॉप, सेमिनार, गोष्ठी इन सब का आयोजन करेंगे। इसके साथ साथ यह निर्णय लिया गया कि जितने भी हमारे मैनेजमेंट, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के एसोसिएशंस हैं, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, CII, PhD कॉमर्स, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बिहार इंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन, इनसे भी हम लोग संपर्क में रह करके उनके जितने भी सक्रिय सदस्य हैं उनके सहयोग से पटना मैनेजमेंट एसोसिएशन के भी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने पर हम लोग काम करेंगे और उनके सबसे संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न तरह के उत्पादकता से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित हम लोग कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। आज इसी महती AGM में हम लोगों ने नए कार्यकारिणी का भी गठन किया है, जिसमें सर्वसम्मति से पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ सदस्य और बिहार स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर BK सिन्हा साहब को प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है और यहाँ के पटना ही नहीं बिहार के लगभग प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कंसल्टेंट और ट्रेनर मिस्टर मनोज कुमार सिन्हा जी को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के रूप में, हमारे बीच में ऑलरेडी सेक्रेटरी प्रोफेसर साधना झा जी और ट्रेनर के रूप में हमने चुनाव किया है, मिस्टर RN प्रसाद साहब का वो भी हमारे बीच में हैं। इसके अलावा दो वाइस प्रेसिडेंट हर वर्ष की भांति यहाँ पर चुनाव किया गया है। अमिटी यूनिवर्सिटी की वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर चेतना प्रीति जी इसकी एक वाइस प्रेसिडेंट हैं और हमारे दूसरे वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ पर जो पहले भी वाइस प्रेसिडेंट थे आज हमारे बीच में वो भी आए हुए हैं। एक बहुत ही देश विदेश में बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस के क्षेत्र में नाम कमाए हुए श्री अरुण कुमार सिन्हा जी जो लाइफ मेंबर हैं IIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के, वो भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इस तरह से पूरी कार्यकारिणी की आज समिति गठित की गई है। बहुत ही सुधारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम लोगों ने सकारात्मक प्रयास शुरू किया है और उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में सही निर्णय के आधार पर हम लोग कुछ सफलतापूर्वक अच्छा काम करने में समर्थ हो सकेंगे। अमृत दी न्यूज़ की ओर से मैं रंजन कुमार अमृत दी आप सभी को हार्दिक बधाइयां दे रहा हूं, शुभकामना दे रहा हूं कि आपके नेतृत्व में पटना मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से बिहार का आर्थिक विकास होगा और बिहार का नाम दुनिया भर में रोशन होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार अमृत दी न्यूज़, पटना बिहार। नमस्कार।